नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने एक बार फिर गर्व से देश का सीना चौड़ा करने का काम किया है। जी हां, इसरो ने इस बार 36 वन वेब इंटरनेट सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लॉन्च करके और प्रक्षेपित करके इतिहास रच दिया है। भारत के सबसे भारी लॉन्च रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से लो अर्थ ऑर्बिट पर लॉन्च किए गए। आज सुबह 8:30 बजे से रॉकेट लॉन्च करने की ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। फरवरी में SSLV D2 EOS-07 मिशन के सफल लॉन्चिंग के बाद 2023 में इसरो के लिए ये दूसरा लॉन्च है। प्रक्षेपण इसरो के SDSC-SHAR के दूसरे लॉन्च पैड से सुबह 9 बजे निर्धारित किया गया था और उल्टी गिनती के दौरान रॉकेट और सैटेलाइट सिस्टम की जांच भी की गई और फिर इसके बाद रॉकेट के लिए उसमें ईंधन भी भरा गया। 43.5 मीटर लंबा और करीब 643 टन वजन वाले भारतीय रॉकेट LVM-3 को श्रीहरिकोटा स्थित रॉकेट पोर्ट के दूसरे लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया। 5,805 किलोग्राम वजन वाला ये रॉकेट ब्रिटेन स्थित नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड यानी वन वेब के 36 सैटेलाइट्स को एक साथ अंतरिक्ष में लेकर गया है। इससे पृथ्वी की निचली कक्षा यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में उपग्रहों के समूहों की पहली पीढ़ी पूरी हो जाएगी। लो अर्थ ऑर्बिट पृथ्वी की सबसे निचली कक्षा को कहा जाता है। LVM-3 एक 3 चरणों वाला रॉकेट है जिसमें पहले चरण में तरल ईंधन, फिर ठोस ईंधन द्वारा संचालित 2 स्ट्रैप-ऑन मोटर, तरल ईंधन द्वारा संचालित दूसरा और क्रायोजेनिक इंजन भी होता है। इसरो के इस भारी भरकम रॉकेट की क्षमता LEO तक 10 टन और जियो ट्रांसफर ऑर्बिट तक 4 टन वजन ले जाने की है। इसरो द्वारा इस रॉकेट मिशन कोड का नाम LVM-3 M3 OneWeb India 2 मिशन रखा गया है। रॉकेट लॉन्च होने के ठीक 19 मिनट बाद सैटेलाइट्स के अलग होने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। 36 सैटेलाइट्स अलग अलग चरणों में विभाजित हो गए। ब्रिटिश स्टार्टअप कंपनी OneWeb में एयरटेल यानी कि भारतीय एंटरप्राइजेस भी शेयर होल्डर है। OneWeb के साथ इसरो की 2 डील अभी तक हुई हैं, जिसमें से एक पिछले साल ही हुई थी। इस रॉकेट में दूसरी बार किसी निजी कंपनी का कोई सैटेलाइट ले जाया जा रहा है और इसका सक्सेस रेट भी 100% तक रहा है। बीते साल अक्टूबर में भी इसरो ने OneWeb के 36 सैटेलाइट्स LVM-3 रॉकेट के साथ लॉन्च किए थे। इस सफल अभियान से दुनिया के हर हिस्से में स्पेस आधार ब्रॉडबैंड इंटरनेट योजना में भी खासी मदद मिलेगी। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। इसरो की इस ऐतिहासिक कामयाबी को आप कैसा समझते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।